भैया ये लिस्ट है, सामान दे दीजिए। भैया एक फेस वॉश भी दे दीजिए। और कितना हुआ आपका बताइए। मम्मी मम्मी मुझे पैसे दो ना। क्या करोगे बाबू पैसे? मुझे गुब्बारे लेना है। ठीक है रुको दे रहे हैं। हाँ ठीक है। संभाल के जाना बाबू। ठीक है मम्मी। अपहरण है दोस्तों। ना करें, ना करने दें। चलो चलते हैं। क्या हुआ भाभी, क्यों परेशान लग रही हैं? क्या बात है? चिंटू कहीं खो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी जी आप चिंता मत करिए, आप चलिए मेरे साथ, आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। अंकू तुम जाओ रवि के पास, ऑफिस ब्रदर्स के लड़कों को बोल देना सब ढूंढते रहेंगे। ओके भाई। पानी पियो, पानी बैठो। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, कहाँ हो? रास्ते में हूँ, बता। एक काम करो। हाँ भाई। सभी लड़कों को लेकर के मुझे बरगमा तिराहे पे मिलो, चिंटू कहीं मिल नहीं रहा। क्या चिंटू कैसे? अरे यार ठीक है ठीक है, परेशान ना हो, मैं निकलता हूँ, तुरंत आता हूँ। हाँ बस तुरंत मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग भी निकलो वहाँ से। चलो आप ही मेरे दादाजी हैं। हाँ बेटा हम ही तुम्हारे दादाजी हैं। बैठ पीछे बैठ। इतने दिन से कहाँ थे, उससे मिलने क्यों नहीं? बेटा बहुत लंबी कहानी है। कहानी 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 मुझे बहुत पसंद है, सुनाइए ना। अच्छा कहानी सुनना है तुमको? हाँ। ये उस समय की बात है बाबू, जब हम लोग गांव में रहा करते थे। प्रणाम प्रणाम। सारे सब संस्कार बिसर गल हन, गोड़े नहीं गिर सके, प्रणाम करी। हाँ बोलो दाऊ। खुश रह, खुश रह, अब जे ये संस्कार वाली बात आए। हाँ बोला। और बताई ठीक बा? एकदम बढ़िया बा। ये देखन सारे सब खीरवा चोरा लेवा ना, देखा थे एक ठे खीरा नहीं मिलती है, तीन चार ठे पाई खावे तू हूँ खवा देता था। हाँ ले, अब घर में दे जा, दे दे सबकी। हाँ। हमार शादी होता है। अच्छा अच्छा, तो हम आल नहीं न्योता उता देवे। अच्छा यह बा न्योता। हाँ। मन कहता है 14 जून की बा। हाँ चाचा 14 ठीक बात है। संगीत भाई
से काम रहा। शादी ककर होता? हमार होता। कोई लाज नहीं लगल रहा? 5 साल बर्थडे वाले ना हम हैं, ब्याह करता लस्ते हैं। अच्छा ही जाओ संगीत भाई, सारी तो हुई ना, तुम्हारे तुम्हारे भौजी का सब सहेली हुई। तुम हमार पहले अभी हो ही नहीं पा रहा था, तू आ गिला अब तहार देखी हम का दिक्कत तो नहीं दे सकता का। भाग जा चले, भाग जा। तू बिसरा गेलो ओ दिन नरमा में नहात रह, चड्डी गाड़ के कट पहनत रह। वो दिन बीत गल, अब जमाना दूसर बा। हो गल, रुक रह, ठीक बा, मत करा सेटिंग, बताओ हम उनका खिलवा खबा। अच्छा वो तो छोड़ा थोड़े, हम बियाहो में ना बनाओ अपने। ए चाचा एक रख ले के मत आई तो नसा दे हम आप, तो हम बता दे। अरे बाबू ना लेके आओ बेकरे की हो, ई घरो रो देखी के साग यहां सब्जी लगलवा। अच्छा ठीक बा, जा घूम आवा, बताओ हमू निको ना कर। जा जाना, जाबा कर। ए पापा हमारो बात सुन ला, हमारो शादी ब्याह करा दो, नहीं ठीक पट्टी खाना बता देती हूँ। सारे तभी ब्याह ना हुई तोर, अभी तो लड़का वाला वो 5 साल का छोटवा हमसे, तो वो छोटवा तो का वाला वो ड्यूटी कर ला, आता सारे निकम्मा वाला से एकदम का ड्यूटी कर ला, 8,000 रुपया कमा ला, चौकीदारी करा जाकर कुछ तो पा बताऊ, अपने खर्चा पूरा लेता ना ते सारे हमरे ही मांगलस। हम तो सोचे रही की सीए बनाऊ ते हमारे फाड़ा था। 20,000 रुपया मांगा थी, का करबे 20,000 रे, हम वो कंपनी में लगाओ। कौन कंपनी में? वो कंपनी में लगाओ, हम दूजे के जोड़ा फ्यू दूजे हमरे नीचे जोड़े, फ्यू दूजे हमरे नीचे जोड़े, ऐसे काज काज हम महीना में 2 करोड़ रुपया कमा ले। जोर पाइप फाटल बाबा बांधो के पानी फोर बांधता हमार पाइप। रसे रुपेश नाम बा हमार, चस नहीं खाया वाला चीज फेंकल ना चाहे बाबू, इतना तो तमीज नहीं है तुम्हारी की 2 महीना बाद हम शादी ब्याह कर ले भगा का वो, और वहीं जो पंचायत बैठा तू देखत रह बाबू। दादाजी पापा कितने फनी थे ना। हाँ वो बाबू वो तो है, वो बहुत शरारती था। उसके बाद क्या हुआ दादाजी? फिर उसके बाद चाची तुहार लड़कवा। अरे बोल ना तेरे का चाचा वो तोहार। अरे बोल ना जल्दी बोल, का हाल हमरे लड़का की? अरे बोल ना रे, का हाल हमरे लड़का की? चाची चाची तू तोहार लड़कवा पंचायत बैठावा, चाचा तोहरी की सरपंच साहब बुलाएवा ना। ई पंचायत बैठावा? हां हां तू तोहार लड़का पंचायत बैठावा। अच्छा तो चल हम आवत। हम चली नहीं तो A few moments later. Sarpanch sahab, jindabad. Sarpanch sahab, jindabad, 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 jindabad. Aaiye sarpanch sahab, baithiye. Naam sarpanch sahab, khush raho. का हो गल रुपेश भाई, का पंचायत बाज का हो गल तोरन बापे पुतन के बीच में? सरपंच साहब हमार बाप शादी ब्याह नहीं करातन हमार, ये सब पंचायत बैठा वाली आज। सरपंच साहब एकरे पढ़ाई में सारा पैसा हम खर्चा कर देली, अब कहरो ले लहाई चुहाई तब ने एकर ब्याह शादी करी। सरपंच साहब हमरे से छोट छोट लड़कन का ब्याह काज होल जाता, अब हमरे बाबू के पैसा नहीं है तो हमारा ब्याह काज ना हुई। कागज तोरे रे, बात तो तेरा सही कहते रोनी भाई, वो लड़का का ब्याह कराबा जौन सीधा पिसान चाहिए थोड़ बहुत मदद तो कर देव हम, ठीक बा ना? सरपंच साहब एकरे पढ़ाई लिखाई में हम घर भर के रुपया खर्चा कर देली,
हमरे की कुछ मिला जुला तब ना हमें कर दिया काज करी कहो। सुन ली सरपंच साहब, यही दहेज के चक्कर में हमरा रुआ मरल जाता ले। घर भर का रुपया लगा के तोरे की पढ़ैली हम, हमरे की फ्री में हम तोर ब्याह कर दी है। तो कमा धमा तोर हम ब्याह शादी कर दे, समझे? कह रे कौन काम न का नहीं करते, ठीक है कहता तोर बाप, निठल्ला घूमत रहे तो कैसे ब्याह काज कर रही तोर। कौन बाप तोर के अपन बिटिया दी बताओ, निकम्मा आदमी के कौन बाप बिटिया दे दी। हम ड्यूटी ना करब, हम बिजनेस करब, यही खातिर 20,000 रुपया मार दे बापे से देत नहीं है। अगर हमारा बाप 20,000 रुपया जे दे देता तो महीना में 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 रुपया हर महीना कमा कर दे दी, पैसा गांस दी था। इधर आओ रे, ऐसा का काम बा रे, इतना पैसा मिल रहा है। अरे सरपंच साहब एक हमारा कंपनी बा, ऐसा कंपनी कंपनी ऐसा बा, ओमिन दू जे की जोरम ना, तू दू जे की आओ जे की जोड़ी, तू दू जे की आओ जे की जोड़ी, तो वही में हम बड़े करोड़पति बन जा। से सरपंच है च से चूतिया नहीं, चल जूता लेके आओ इधर। A few moments later. बाकी सब तो ठीक बा, तोरे के 2 महीना का टाइम दिल जाता, 2 महीना में ते कहूनो अगर काम धंधा ढूंढ के नौकरी चाकरी पकड़ ले है, तो तोर ब्याह तय करवा दे, ठीक बा ना जोनी भाई? अगर 2 महीना में तोर लड़का कोनो काम पकड़ लेता एकर ब्याह तय हो जाए, एकर ब्याह करवाओ, कुछ हम मदद कर दे, कुछ गांव वाले मदद कर दे। महीना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद सरपंच साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद सरपंच साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ तो आज का पंचायत हम यही समाप्त कर रही थी, ठीक, बाकी तो फैसला याद हुई उठपटांग कुछ सुन के मिले तो हमसे बुरा क्यों ना हुई। उसके बाद क्या हुआ दादाजी? उसके बाद क्या हो गए? आप क्या करते हैं? बेटा मम्मी पापा तुम्हारे परेशान हो रहे होंगे, चलो चलते हैं घर। मेरा चिंटू खो गया है, पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे बाबू चिंता मत करो, मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। सब कुछ पता चला मेरे बच्चे को। नहीं हिम्मत रखिए, हम चिंटू को बहुत जल्द से ढूंढ लिकानेंगे। साहब कुछ भी करके मैं चिंटू को वापस लाएंगे। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप रोइए नहीं, हमारी खोज जारी है, हम चिंटू को जल्द से जल्द ढूंढ लिकानेंगे। आप हमें बताइए, आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है या आपको किसी का शक? नहीं सर, किसी के ऊपर दुश्मनी शक किसी के ऊपर भी नहीं है सर। अच्छा आप हमें बताइए जी सर, आपके पास कोई कॉल आया था? सर अभी तो कोई कॉल नहीं आया। कोई कॉल नहीं आया? नहीं सर। मुझे लगता है कुछ और मामला है, हो सकता है आर्गन माफिया का काम हो। सर आर्गन माफिया क्या है सर? आर्गन माफिया ये छोटे बच्चों को शिकार बनाते हैं और छोटे बच्चे आसानी से फंस भी जाते हैं। ये बाडी के पार्ट्स को निकाल के बेचते हैं और इसके बड़े पैमाने पे सेलिंग होती है। सर कुछ भी करके मेरे बच्चों को बचाइए सर। आप अपने आप को संभालिए, धीरज रखिए, हमारी टीम आपके चिंटू को जरूर ढूंढने लिखानेगी। चिंटू देखिए हमारे बेटा चिंटू, और तुम देखो मेरा बाप पीछे। मम्मी
पुलिस क्यों आई है? बेटा हम लोग चोर पुलिस खेल रहे हैं। दादाजी इसमें चोर कौन है? चोर हम हैं। तो आपने क्या चुराया है? एक चांद सा टुकड़ा। गरिमा तुम चिंटू को लेके अंदर जाओ। सर आज जा सकते हैं, ये हमारे घर का मामला है, आपको इतना परेशान किए इसलिए सॉरी। मिस्टर मोहित, घर का मामला घर में सुलझाइए तो बेहतर होगा, खामोखा पुलिस को परेशान मत किया करेगा, पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको मंदर कर सकते हैं। सॉरी सर। अगली बार ध्यान रखिएगा। चलो हल्दार। कैसे बेटा तुम्हारा तो होश ही उड़ गया, तुम्हारा बेटा एक घंटे से गायब है तो तुमको ऐसा लगता? मेरा बेटा तो 8 साल से मुझसे दूर है, मुझे कैसा लगता होगा? तुम्हें 8 साल में एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि एक बार बाप से तुमको मिलने मर रहा है या जिंदा है? अरे यार हम तुमसे क्यों बात कर रहे हैं, तुमसे बात ही करना बेकार है। तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी माँ भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पापा जी खून कैसा? पापा ये खून कैसा है, क्या हुआ पापा? बेटा मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है, मैं सोचा एक बार अपने बच्चे को देख लूं। नहीं पापा, हम आपको छोड़ के नहीं जाने लेंगे। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने दूंगा पापा। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो बेटा क्या बात है? मेरी शादी करा दीजिए ना तो मैं भी लड़की एक भाग दूंगा।